हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भानु कुमार साहब, इंडिया से मौजूद हैं। भानु जी, आप ये बताइए कि सर, जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जो जन्म कुंडली है, उसमें उनकी पार्टी इंपोर्टेंट है और उनकी पार्टी आगे जाएगी, क्या पार्टी को प्रेडिक्ट करेंगे, इनकी पार्टी को और नवाज पार्टी को? अभी अभी देखिए, इमरान खान की कांग्रेस पार्टी का ऊपर लोगों का मन ज्यादा, दिल उनका ऊपर है, इसलिए ज्यादा पाकिस्तान लोग इमरान खान का पार्टी पाकिस्तान तरफ ही इंसाफ आगे जाने का भी दिखाई पड़ रहा है। मैं ऑलरेडी बोला, मेन तीन पार्टियां है, पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पीटीआई पार्टी थोड़ा आगे जाने का संभावना दिखाई पड़ रहा है। सर, इमरान खान जेल के अंदर है, ये इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी के अंदर, इमरान खान इलेक्शन से पहले पहले जेल से बाहर आ जाएंगे? नहीं, वो जेल में रह के इनका पार्टी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारा पार्टी का लोग कार्यकर्ता है, वो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्लान बनाना है वो इमरान खान जेल में रह के कोशिश करते हैं। इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे? इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का बाद में बाहर आएंगे। हाँ, से पहले आपको कुंडली में बाहर आते नजर नहीं आ रहे? बाहर आने का नजर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर, अगर किसी बंदे की जेल है, वो हवालात हो कुंडली में, उसको कैसे आप उसको अगर बता सकें, कैसे आप उसको आप उसकी प्रेडिक्शन करते हैं? देखिए, किसी का कुंडली में ये परमानेंट जेल में जाने का इमरान खान में कुंडली में नहीं है, ये टेम्पररी जेल में गया है, वो ये सब साजिश है, अपोजिट पार्टी में दूसरा पार्टी लोगों का साजिश है। इमरान खान तो बहुत अच्छा आदमी है, देश के लिए बहुत अच्छा काम भी करेगा, ये टेम्पररी जेल का सजा इन हुआ है। हम कुंडली में कैसा देखते हैं बोले तो 12th हाउस देखते हैं, 12th हाउस में केतु का संपर्क है क्या? देखिए, इनका कुंडली में अष्टम भाव में केतु है, केतु पंचम भाव बोले तो जल राशि में देख रहा है, क्यों बोले तो मीन राशि, बाद में कर्क राशि, बाद में वृश्चिक राशि, ये तीनों का संबंध केतु का जोड़ने से ये टेम्पररी जेल का संबंध इनको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इनको लाहौर कोर्ट ने, इस्लामाबाद कोर्ट ने 3 साल के लिए सजा भोगने के लिए बोले हैं, फिर भी इनका पार्टी जीतने से पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने का संभावना दिखाई पड़ रहा है। अक्सर इमरान खान की पार्टी या इनके इनके बाद या कि जेल में है, तो कौन देख रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी हैं, एक परवेज लाई हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन लोग पार्टी को लेके चलेगा? पार्टी तो तकरीबन अब खत्म हो गई है। इमरान खान जेल में गए तो अभी इनका पार्टी, अभी आप नाम बताए ना, वो लोग सब एक साथ में काम करेंगे, सारे लोग एक साथ पे काम करेंगे। एक साथ में काम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। इमरान खान आपको वजीर आजम सदर पाकिस्तान, अगर हम उसका ईयर वाइज प्रेडिक्शन कर लें, साल बाद, 2 साल बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, कोई नजर आ रहा है कुंडली में से? हाँ, इनका कुंडली में मैं बताया, अक्टूबर 2023 से समय बदल जाएगा, पूरा पावरफुल अक्टूबर 2024 में जुपिटर का मेन पीरियड और मार्स का सब पीरियड चालू होता है, वो समय में इनका टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा, तब तक इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तब तक जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं मियां शहबाज शरीफ, इनके बारे में, अगर आपको, ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नवाज शरीफ बनेंगे चौथी दफा? वही नवाज शरीफ के लिए मैं पहले ही बताया, उनका थोड़ा समय अच्छा नहीं चल रहा है, उनका मार्गदर्शक का समय है, इसलिए वो जान के लिए बहुत खतरा है, नवाज शरीफ के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ ने भारत देश को भी बहुत बार आया है। अक्सर अगर हम दुनिया की बात करें, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में आपको क्या नजर आ रहा है? वर्ल्ड का बात तो बहुत अलग बात है, आप वर्ल्ड में कौन सा देश के लिए बात करना चाहिए? यूरोप की बात करते हैं, यूरोप का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा यूरोप का, मैं सेपरेट आप इंटरव्यू कीजिए, यूरोप का कंट्री का सब मेरे पास कुंडली रख के मैं वो यूरोप के बारे में मैं बात करता हूँ।
मैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत सारा यूएसए का भी कुंडली बताया हूँ, अभी क्या हाल चाल चल रहा है कनाडा का वो भी मैं वीडियो सेपरेट भविष्यवाणी बताया हूँ, अभी वो सब मैं अलग अलग आपको दूसरा वीडियो में मैं आपका सर बिल्कुल ठीक है, दूसरी वीडियो में सारी वो बात करेंगे। सर ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की आपने बात की, पीपल्स पार्टी का क्या नजर आ रहा है, आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, जमात जो पीपल्स पार्टी है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए भुट्टो का पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान वो लोग देश के लिए पाकिस्तान के लिए जीते थे, बाद में उनका भी टाइम इतना अच्छा नहीं दिखाना पड़ रहा है, बाद में पाकिस्तान का लोगों का मन में घुसने के लिए पाकिस्तान लोगों के लिए महंगाई कम करना है, बहुत प्राइसेस बहुत हाई हो गया है, वेजिटेबल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वो लोगों का मन में आना चाहिए देश के लिए कुछ ये लोग करेंगे, ऐसा आने से लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। अच्छा अगर बिलावल भुट्टो का जायचा अगर आपने देखा हो तो उस पर कुछ गाइड कर सकते हैं? मेरे पास अभी भुट्टो का डेट ऑफ बर्थ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बाद में और एक बार वो उनका भुट्टो का भी कुंडली देख के मैं आपको उनका भी भविष्यवाणी बताता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूँ, आपने सही बात की, जारी बात है जब आपके पास पूरी परफेक्शन डेट ऑफ बर्थ और चीजें होंगी तो डेफिनेटली कर पाएंगे। ये बताइए कि सर अगर आप किसी शख्स की कुंडली निकालते हैं उसके 12 हाउस है, 12 हाउसेस को कैसे डिवाइड करते हैं, किस हाउस में क्या जाए तो क्या होता है? देखिए पूरा एक कुंडली बोले तो देखिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं आपको क्या करते हैं एक्सरे देते हैं, ऐसा आपका जन्म कुंडली क्या करता है, आपका जन्म से मरने तक आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री हम कुंडली पे दिखाई पड़ता है, सर्वम ग्रहाधीनम जगत करके बोलते हैं संस्कृत में, ऐसा बोले तो पूरा हम ग्रह का कंट्रोल में है, इसलिए हम पिछले जन्म में क्या कर दिया है उसका अनुसार हमको फल मिलता है, इसलिए अभी पाकिस्तान लोगों के लिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ बोले तो सब लोग अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म कीजिए, बाद में अच्छा लीडर को चुनने के लिए कोशिश कीजिए, सब देश के लिए अच्छा लीडर चुनेंगे तब देश बहुत कुछ आगे जा सकता है, देश आगे गए तो देश में कौन कौन सिटीजन है वो लोगों का भी नाम ज्यादा आता है, महंगाई कम होता है। सर इलेक्शन पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं आपको जनवरी जनवरी में इलेक्शन नजर आ रहे हैं? ये इलेक्शन देखिए 3 मई सितंबर में ही इलेक्शन होना था, अभी दिसंबर में इलेक्शन होने का तय हुआ, जनवरी में इलेक्शन होने का चांसेस दिखाई पड़ रहा है, जनवरी 2024 में इलेक्शन होने का संभावना, दिसंबर में ही होना था, आगे आगे निकल के जा रहा है। अगर 2024 में इलेक्शन होते हैं जनवरी में तो कौन आपको जीता नजर आ रहा है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जेल में होगा, जेल में रहे तो भी उनका पार्टी आगे आने से वो बाहर आ जाएगा। इमरान खान वजीर आजम कब बनता नजर आ रहा है? इमरान खान जीत ली, इमरान खान का पार्टी जीते तो इमरान खान जीते जैसे हो गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं 2024 जनवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जेल के अंदर होंगे लेकिन उनकी पार्टी जीत जाएगी। हाँ उनका पार्टी जीतने के बाद तो कुछ भी हो सकता है, वो बाहर जेल से बाहर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपका बानू कुमार जी बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपने बातें सुनी, बानू कुमार साहब की ये प्रेडिक्शन का अमल है, ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, इन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन बताई है वो अपने नॉलेज के हिसाब से बताई है, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि सब कुछ जब जानता है इंसान कुछ नहीं जानता, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है और इंसान अपनी अकल के जरिए अल्लाह ताला की दी हुई अकल के जरिए अपनी कैलकुलेशन करके कर सकता है, ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। बानू कुमार जी को बुलाने का मकसद ये है, इनसे रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है, इंडिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है, हम पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं करते लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा इसको फोकस किया जाता है, समझा जाता है और उस पर फिर लोग अमल भी करते हैं, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आतिफ मजीद और बानू कुमार के कुमार को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, पूरा पाकिस्तान आपको भी, पूरा पाकिस्तान लोगों को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।